नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़के, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी के कर्मदाता, न्यायदाता और फलदाता हम जिनको कहते हैं, शनिदेव महाराज जी की 19 तारीख को जयंती मनाई जा रही है और आचार्य रमेश सेमवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो हमें हर पर्व पर, हर जयंती पर अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं और बताते हैं क्या उसके दिन, जयंती के दिन क्या हम शुभ कार्य कर सकते हैं, क्या अशुभ हो सकता है, वो सब हमें रमेश सेमवाल जी बताते हैं। तो न्याय दाता हम जिसको कहते हैं शनि देव जी महाराज, जो सभी हमारे कर्मों के फल हमें देते हैं, उनकी जयंती है, तो काफी एक रोचक सी चीज भी हमें लग रही है, जिसमें आचार्य सेमवाल जी हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या महत्व होता है शनिदेव महाराज जी की जयंती मनाने का। जी गुरु जी, बहुत बढ़िया। रुड़की आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, रुड़की आपकी सभी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, जो आपके चैनल के माध्यम से आपके द्वारा निरंतर धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी अपने चैनल को महत्व दिया जाता है। तो जैसे शनि जयंती की आपने बात करी, भगवान शनिदेव न्यायाधीश हैं। जन्म कुंडली के अनुसार हमारे 9 ग्रह हमको प्रभावित करते हैं, 9 के 9 ग्रह, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण ग्रह है शनिदेव। शनिदेव कर्म फलदाता ग्रह है, न्यायाधीश हैं, मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और शनिदेव आपके कर्मों का लेखा जोखा भी रखते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव आपको अच्छा फल देते हैं, अगर आप झूठ कलेश करते हैं, छल कपट राग द्वेष करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, अहंकार करते हैं, तो शनिदेव आपको दंड देते हैं। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को हुआ था और इस वर्ष ये तिथि 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन पड़ रही है, बहुत अच्छे योगों में। उस दिन वट सावित्री व्रत का भी पर्व है, अमावस तिथि भी है और भगवान शनिदेव की जयंती भी है। ज्योतिष गुरुकुलम में बहुत बड़ा यज्ञ राष्ट्र कल्याण के लिए 19 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, भगवान शनिदेव भी और हमारे नवग्रह देव भी यहाँ पर स्थापित हैं। तो हम हर साल भगवान शनिदेव की जयंती को मनाते हैं। इस वर्ष भी 19 मई 2023 को प्रातःकाल 10 बजे से यहाँ पर शनिदेव की आराधन, उपासन और यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। जिनकी कुंडली में शनि सरस्वती हो, ढैया हो, परेशानी शनिदेव के कारण हो रही हो, कुछ भी आपको लगता हो कि शनिदेव परेशान कर रहे हैं या शनिदेव के कारण ऐसा हो रहा है, तो शनिदेव की आराधना करने के लिए आप ज्योतिष गुरुकुलम में पधार सकते हैं प्रातः 10 बजे। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, इसका महत्व क्या है। महत्व यह है कि शनिदेव की आराधना से, शनिदेव की उपासना से, शनिदेव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा का संचरण होता है, शतोगुणी विचार आते हैं, क्योंकि शनिदेव न्यायकारी देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, तो आपका मन अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित होता है। आप गरीबों की सेवा करें, आप अच्छे काम करें, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। जी गुरु जी, कहते हैं जब शनि देव जी की ढैया चलती है या 7.5 चलती है तो बहुत ही कष्टमय हमारा जीवन हो जाता है। गुरु जी ने जैसे हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और 10 बजे से जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो सभी उसमें प्रतिभाग करें, यज्ञ में सभी लोग आए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी की तरफ से। तो जयंती जो शनि देव जी की जयंती है वो मनाई जा रही है, तो सभी लोग इसमें जरूर प्रतिभाग करें। शनि देव से एक लोगों के अंदर क्या भाव है, मैं कहता हूँ शनि जैसा देता नहीं, शनि जैसा लेता नहीं, शनि जैसा हंसाता नहीं, शनि जैसा रुलाता नहीं। शनि देव कहते हैं शत कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, श्रमिक वर्ग का सम्मान करो, जो आपके नौकर हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, आपकी दुकान में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करो, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनकी मजदूरी मत मारो, किसी का हिस्सा मत मारो, गलत काम मत करो, अहंकार मत करो, द्वंद में मत रहो, छल कपट मत करो। पति पत्नी का संबंध ठीक होना चाहिए, माता पिता का सम्मान होना चाहिए, तब शनि आपसे अच्छे फल की आशा शनिदेव से कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं। शर्म वर्ग, आजकल आप देखते हैं पैरों में सबके दर्द है, नसों की बीमारियां हैं, घुटने में लोग पूजा में भी बैठ नहीं सकते, तो 3 ग्रह एक्टिव हैं कलयुग में, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, इसलिए हमें सच्चे और अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और सभी शनिदेव जी की जयंती में जरूर प्रतिभाग करें।